गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं किया जाता और इसके पीछे के क्या रहस्य है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साथी नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का जीवन सार चैनल में। मेरी जीवन सार की फैमिली कैसी है, स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, और यही मैं आशा भी करती हूँ और यही मैं प्रभु को प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरी फैमिली को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन क्यों नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश चतुर्थी का दिन बेहद शुभकारी होता है, अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। हमारे घर गणपति जी जैसे हमारी मन की इच्छा होती है उतने दिन के लिए रहते हैं। चतुर्थी का दिन हम लोग बेहद श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पार्वती पुत्र गणेश जी की पूजा करने से हमारे सारे बाधाएं, सारे कष्ट, सारे विघ्न दूर होते हैं और इसी के साथ में जीवन के सारी बाधाओं का अंत भी होता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन भूल से भी, गलती से भी नहीं करना चाहिए। जो चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है ना शाम को, तो नजर अपनी नीचे रख के अर्घ देते हैं। गलती से भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह आगे अभी हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले तो उस समय सभी देवी देवता उनको नमन कर रहे थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी चमक, अपनी रोशनी और अपने खूबसूरती के कारण गजानन को ना ही नमस्कार किया और उनका गजब मुख का उन्होंने मजाक उड़ाया था। उनके इस अभिमान को समाप्त करने के लिए गणपति बाप्पा ने उन्हें काले होने का श्राप दे दिया। उसके बाद में चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी, जिस पर गौरी पुत्र गणेश जी ने कहा कि ये श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। तब उन्होंने इसका प्रभाव कम करने के लिए चंद्रदेव को कहा, जो लोग चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें कलंक का सामना करना पड़ेगा, बेगुनाह होते हुए भी उनको कलंक का सामना करना पड़ेगा और उनको झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा और निर्दोष होने के बावजूद भी कलंक लगेगा। ये तो आपने कभी दादा दादी या नाना नानी या उनसे तो सुना ही होगा, क्योंकि बुजुर्गों को ये सारी बातें पता होती है, वो हम लोगों को बताते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए बोलते हैं कि चंद्रमा का दर्शन गणेश चतुर्थी के ऊपर करना नहीं चाहिए। जाने अनजाने अगर आपका दर्शन हो जाता है चंद्रमा का, तो ऐसे वक्त आपको क्या करना चाहिए, आगे बात करते हैं। तो अगर जाने अनजाने आपको चंद्र दर्शन हो जाता है तो आगे के उपाय अगर करेंगे तो कलंक का जो दोष लगा है आपके ऊपर, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, उससे आप पार निकल सकते हैं। सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करें और उनको फूल, दुर्वा और ये सब अर्पित करें, और ये जो भी आप उनको खाने पीने की चीजें और जो भोग लगाएंगे ये सब आप किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। एक तो ये उपाय हुआ आपका। सिंह हा प्रसन्न मवधित सिंह जावता हता हा सुकुमारक मरोदी स्तव हेश समंतका। अब इस मंत्र का जाप करने के बाद में श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद के 56 या 57 अध्याय का पाठ करें और भगवान गणेश की पूजा करें, और आपका चंद्रमा का दर्शन करने से जो चोरी का आरोप लगा है या झूठा कोई आरोप लगा है या झूठा कोई कलंक लगा है उसमें कमी आने के लिए आपको मदद मिलेगी। जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का जप करते हुए जो आप जल सामने रखेंगे वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इस मंत्र का जाप 21, 54 या 108 बार करना चाहिए। वो जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा और वो जल पीने से आपका ये कलंक दूर होगा और कलंक के प्रभाव में कमी आएगी। इस मंत्र का अर्थ है, सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जांबवान ने उस सिंह का संहार किया है। अब तुम रो मत,
अब इस समंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। और समंतक मणि के चोरी की कथा भी आप सुन सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भी जाने अनजाने चंद्रमा का दर्शन गणेश चतुर्थी के ऊपर कर लिया था और उनके ऊपर समंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा था और श्री कृष्ण ने समंतक मणि ढूंढ कर उनको वापस दिया। सत्रजीत जो राजा थे उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर समंतक मणि चोरी का आरोप लगाया था और श्री कृष्ण ने वो मणि जांबवंत के साथ में लड़ाई कर वापस लाया और सत्रजीत को वापस किया। तब उन्होंने उनकी लड़की का सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ में किया था। तो एक तरीके से समंतक मणि के साथ में सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह का भी जुड़ाव है। तो इस वजह से गणेश चतुर्थी के ऊपर चंद्र का दर्शन नहीं करते हैं। और ये मैंने कुछ आपको उपाय भी बताए हैं कि अगर गलती से अगर आपका चंद्र दर्शन हो जाता है तो ये जो भी है उपाय मैंने बताए हैं इनको करने से आप उनके प्रभाव में कमी ला सकते हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी। और वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं लता पांडे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।